हेलो फ्रेंड्स स्मृति किचन में एक नई रेसिपी के साथ आपका स्वागत है तो आज हम आपको बनाना बताएंगे फ्रूट्स चटनी तो चलिए रेसिपी झटपट शुरू करते हैं इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने पैन को गर्म कर लिया है अब हम इसमें डाल लेंगे एक से डेढ़ चम्मच के करीब घी और इसको गर्म होने देंगे अब हम इसमें डाल लेंगे जीरा और इसको थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं उसके बाद हम इसमें डाल लेंगे तीन से चार लाल मिर्च थोड़ी सी किशमिश इमली का पल्प इसको एक से दो मिनट के लिए इसी तरह से बीच बीच में चलाते हुए पकने देंगे केले को छोटे छोटे पीस में हमने कट कर लिया है तो अब हम इसको इसमें मिक्स कर लेंगे एक कटोरी चीनी डाल लेंगे इसको एक मिनट के लिए और पकने देंगे अब हम इसमें छोटे छोटे पीस में कटे हुए सेब डाल देंगे एक से दो मिनट के लिए इसको और पकने देंगे फ्रूट चटनी बनने में करीब पाँच से छः मिनट लगा है ये देखिए हमारा फ्रूट चटनी बन के तैयार हो गया है तो अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ये देखिए हमारा खट्टी मीठी फ्रूट चटनी बनके तैयार हो गया है तो आप लोग भी इस तरह से एक बार घर में ज़रूर बनाएं ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल स्मृति किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें